मान लो कि अली की मोहब्बत मौजज़ा है। हमने जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज किया वो अपने तीसरे मरहले में। कल गुफ्तगू इन मंजिलों में थी कि कलाम मजीद और परवरदिगार आलम जब माजी की अब्दिया का जिक्र करता है उन्हें औलादे देता है और वो लफ्ज़े रखता है अपनी अबदी किताब और फिर अपने हबीब का तस्करा करता है तो लफ्जों में भी बराबर नहीं होता। ये मकाम शरफ है, ये मकाम फजीलत है, सबके लिए एक बात की और महबूब के लिए उस सबसे बुलंद बात। कलर्स कर रहा था जाहिर है कि वक्त पे इतना गुंजाइश नहीं होती कि सारी
तफसीलात को एक ही वक्त दर्ज किया जाए। दाऊद को सुलेमान दिए, जकरिया को याहिया दिए, इब्राहिम को इसहाक दिए, याकूब दिए, मूसा को हारून जैसा भाई दिया, मांगने वालों ने हिबा के लफ्ज से मांगा, रब्बे हबी, देने वाले ने हिबा के लफ्ज से दिया, वाह हम ना। अगर जब महबूब का जिक्र किया आवाज की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ने अता किया। कल कहा था कि देने के लिए 10 लफ्ज है कुरान में, सब अलग अलग है, हिबा भी देना, लेकिन बड़ी गुंजाइशें है ना, पहले तस्बीह बच्चे को दी और किसी बात पर खुदा नखास्ता नहीं, शकर रंजी हो गई, ये नहीं भी हुई, मुझे कोई मसला है पहले वापस ले, पहले वापस ले। तो इसको कहते रुजू, पहले रुजू कर दिया, जो दिया था उससे रुजू कर दिया। हर दी जाने वाली चीज में रुजू का हक देने वाले के पास है, वो दे और फिर रुजू कर दे। इसे क्या कीजिए कि मुफस्सिरों ने लिखा कि लफ्ज अता में हक रुजू साबित है, और अभी के मुफस्सिरों ने लिखा कि लफ्ज अता में हक रुजू साबित है, दे दिया तो दे दिया। दूसरी बात यह है कि कल ये कह रहा था कि हिबा के लिए बाबे राबिद ने लिखा कि इस्तेहकाक देख वहाब है ना, इस्तेहकाक देख के लिखा, लेकिन आता क्या आता इस्तेहकाक देख के लेता, तो मैं लुगतों से क्यों पूछूं, मैं अरबी जानने वालों से क्यों पूछूं, कुरान से क्यों ना पूछूं, काफी क्या कुरान ने इस्तेमाल किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल-आख़िरतु ख़ैरुन लका मिनल-अूला वलस-सौफ़ा युतीका रब्बुका फ़तर्ज़ा। लिस्फुल नहार की सूरज की रोशनी की कसम, रात के छा जाने की कसम, अरे हबीब के परवरदिगार ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, मेरे परवरदिगार ने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, और अंजामे कार आखिर का जमाना पिछले जमाने से बेहतर है, वरना सौपा योदी का रब्बों का बतर्जा। ए हबीब, हम तुझे ऐसा अदा करेंगे कि तुम हमसे राजी हो जा। हम तुम्हें ऐसा अदा करेंगे कि तुम हमसे राजी हो जाओ। इसका मतलब यह है कि जमाना खुदा को राजी कर रहा है, परवरदिगार हबीब से कह रहा है हम अदा करेंगे, इतना नहीं ऐसा, इतना में कोई डिग्री है, ऐसा में कोई डिग्री है, पूछो कि ऐसा क्या अदा किया, वो ऐलान मक्के की इब्तिदाई जिंदगी में था कि ऐसा अदा करेंगे, उसके बाद सन्नाटा हुआ, अब जो ऐलान हुआ इल्ला दैला कल कौसर, तो फिर पहले बोला कि फातिमा महबूब हबीब की रजा मंदी का नाम है, नारे
زمانہ نہ سمجھ سکتا ہے نہ کوئی سمجھا سکتا ہے. اس کو میرے بچے سمجھ لیں. میں ذرا دیر کے لیے رسالت کی بات سے باہر الگ کر کے مثال دے کے بچوں کو ذرا سمجھا دوں کہ دو چیزوں میں دو باتوں میں بہت مشکل ہوتا ہے دو افراد کے درمیان اس جذبے کی اس حقیقت کو سمجھنا. کوئی کسی سے محبت کرتا ہے, کوئی کسی سے محبت کرتا ہے, دو محبتوں کے درمیان کیسا ہی کوئی تیسرا آ جائے وہ اس محبت کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا کہ وہ محبت کیا ہے. اس لیے کہ ایک محبت کرنے والا, ایک وہ ہے جسے محبت ہو رہی ہے. جو محبت کرنے والا ہے وہ اپنے جذبے کی اتباع میں محبت کر رہا ہے, اس سے محبت ہو رہی ہے وہ اس محبت کو قبول بھی کر رہا ہے, ایکسپٹ بھی کر رہا ہے, اس کی قدر بھی کر رہا ہے. تو ایک چاہنے والا ہے, ایک وہ ہے جسے چاہا جا رہا ہے. دونوں کی محبت میں کوئی تیسرا کیسے آ جائے گا؟ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, آپ کی محبت کے لیے میں کیسے آ جاؤں؟ ماں باپ بچے سے محبت کرتے ہیں, ان کی محبت کے لیے آپ کیسے آ جائیں؟ بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے, دو بھائیوں کی محبت کے لیے کوئی تیسرا کیسے آ جائے گا؟ محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ کوئی جگہ نہیں لے سکتا, اور اگر کوئی آ ہی جائے اور خلوص کے ساتھ آئے تو وہ بھی کہے ہاں میں بھی ایسے ہی چاہتا ہوں جیسے آپ چاہتے ہیں. تو ایک نتیجہ تو ہے ہی ہے, وہ تو ہو رہا ہی ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اگر ایک ایسا ہو جسے چاہا جائے اور چاہنے والے ایک سے زیادہ ہو, تو جو دو چاہنے والے ہیں ان کے درمیان آپس میں رقابت پیدا ہو جائے گی. رقابت حسد میں بدلے گی, حسد دشمنی میں بدل جائے گا. آپ ایسے میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں جیسے اس صدی کے بچوں نے محبت مان کی کوئی چیز کبھی دیکھی. یہ پتہ نہیں کہ محبت ہوتی کیا ہے. دو محبت کرنے والے اگر کسی ایک سے محبت کر رہے ہیں تو محبت کے جذبے میں محبت تو ایک سے, لیکن ان دو میں آپس میں درمیان میں رقابت آ جاتی ہے. وہ رقابت حسد میں بدلتی ہے, حسد دشمنی میں بدلتی ہے. اچھا اب آپ کو اگر قرآن سے دلیل چاہیے تو تم یوسف کے بھائیوں کو یہی سکھا تھا. ذرا سا روک لیا ہے میں نے آپ کو, واپس آ رہا ہے. یوسف کے بھائیوں کو یہی شکایت تھی, آپ نے یہ تاریخ پڑھ کے روایت پڑھ کے آپ نے کہہ دیا کہ شکایت تھی یوسف کے بھائی کو. قرآن پڑھیے, کالو آلا علی کا دن آپس میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کے آپس میں کہہ لے کہ ہمارا باپ ہم سے زیادہ اسے چاہتا ہے. ہمارا باپ ہم سے زیادہ اسے چاہتا ہے. پیدا ہو گئی رقابت, بیٹے بھی تو باپ سے محبت کرتے ہیں, صرف باپ ہی تو ہی چاہتا. لیکن باپ یہ دیکھ رہا ہے, نتیجہ تو یہی ہوگا, ہر محبت میں یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ چاہنے والے ہوں گے تو کسی ایک کی طرف توجہ زیادہ ہوگی. تو یعقوب کی توجہ چونکہ یوسف کی طرف زیادہ ہے, یہ اور بات ہے کہ یوسف کے بھائی یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ باپ کی بیٹے کی طرف توجہ نہیں ہے, یہ حال کے نبی کی مستقبل کے نبی کی طرف توجہ ہے. کہہ گیا جو کہلاتا. یوسف کے بھائیوں نے یہ نہیں سمجھا, وہ نبوت نہیں سمجھے, گھر کا معاملہ سمجھ رہے تھے. اور کہہ دوں نبوت نہیں سمجھ رہے تھے, بشریت سمجھ رہے تھے. نبوت نہیں سمجھ رہے تھے, بشریت سمجھ رہے تھے کہ یہ
मिसल कर होती है वैसे ही है। वो जो मोहब्बत का जज्बा था, वो जज्बा एक हाल का नबी एक मुस्तकबिल के नबी से मोहब्बत कर रहा है, और वो झुकाव उस वजह से है, वो बाप और बेटे के रिश्ते को देख रहे हैं। तुझे ज्यादा देर पूरा यूसुफ पे नहीं रुकना, वो बाप और बेटे के रिश्ते को देख रहे हैं, लेकिन बाप और बेटे के रिश्ते में उन्होंने कह दिया, और जो कह दिया उसे कुरान में अल्लाह ने कुरान में रख दिया। अल्लाह बिल्ला बिल्ला, हमारा बाप सबसे ज्यादा यूसुफ से मोहब्बत करते हैं, यूसुफ उसके भाई से। शिकवा भी आ गया, सगा भाई भी बाजों का रकीम हो जाता है, हो गया नहीं हो गया, सग भाई थे रकीम हो गए, तो रकावट पैदा हो जाती है। ये रकावट ऐसी होती है कि ये जज्बा बढ़ता है और ये इंसान को गलत सबक में ले जाता है। हसद, हसद से दुश्मनी, फिर दुश्मनी बढ़ेगी। तो ये तो तय ही है कि अगर एक ऐसा हो जिससे मोहब्बत की जा रही हो और दो ऐसे हो जो मोहब्बत करने वाले हो, तो रकावत जरूर पैदा होगी। अब तो मान लो कि अली की मोहब्बत मौजज़ा है, जो समझा वो समझा, जो नहीं समझे वो मोहब्बत करके देख ले। अली से और मैं अली के बारे में तो नहीं बात, मैं बिल्कुल साफ बात कहता हूं, कहता हूं, कहता रहूंगा, हमेशा कहूंगा, अली के मामले में प्रैक्टिकली अगर किसी को अली को समझना है तो दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं, ये मोहब्बत करके देख लो या मार के देख लो। एक और मेरे नाम से सलावत दे, तो दो ही बातें प्रैक्टिकल अमलन किस बात पे कहा समझने की कोशिश कर। अर्जी कर रहा था कि दो बातें ऐसी हैं, एक मोहब्बत, दो अपराध आपस में मोहब्बत करते हो, एक हबीब है एक महबूब है। और कौन आएगा दरमियान? एक हबीब है एक महबूब है, और कौन आएगा दरमियान? लव उस मोहब्बत की हकीकत कोई समझ सकता है, लव उसका इकरार कोई कर सकता है, लेकिन अब इसे क्या कीजिए कि या अल्लाह बता दे या रसूल बता दे। एक हबीब है, आप समझिएगा, एक हबीब है एक महबूब है, खुदा हबीब है रसूल महबूब है। अब मोहब्बत है हबीब और महबूब के दरमियान, तो दरमियान में कोई आ नहीं सकता, मोहब्बत की हकीकत को कौन समझेगा? लेकिन इसे क्या कीजिए कि आलम इस्लाम की हदीस की किताबों में हदीस आ जाए कि रसूल से कोई मेराज की बातें करते हुए ये पूछ ले अल्लाह ने आपसे बातें की, अल्लाह ने आपसे बातें की कहा इन अल्लाह खातम अली नबूवत अली जिन्ने अभी नाले
और तुम्हारे हवाले क्या जब तक ऐलान पे गया तो आवाज कुदरत आई तो अल्लाह की आवाज पर पहले कुदरत से बयास का पालने वाले तू बोल रहा है कि अली बोल रहा है जो भी यहां भी इल्म की खिदमत कर रहा है यकीनन वो अपनी अपनी निशान में है मसरूफ है और इस वक्त जीत रहा है और ग्राइड कर शायद इल्म है तो दवा कर दिया अपने अल्लाह को मौफ कर रहे हैं हाजरी का तालुक मेरे वसन से आप अल्लाह से पूछिए किसी की मोहब्बत नहीं अली से ज्यादा किसी की मोहब्बत न पाए एक हबीब एक महबूब दो मोहब्बतें पहली फिर वो कह रहा है अली की मोहब्बत बस मेरे बच्चों समझ लो वहां मोहब्बत न हुई यहां करो मुझे तो वापस आया था कहना है लेकिन बात चल रही अली की मोहब्बत को यही भी कहा एक बात और इसे बड़ी वजाहत के साथ किताबों को देखिएगा तो मिलेगी आपको लेकिन अगर किताबों में नहीं भी मिले तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किताब कोई भी नहीं पढ़ी हो
किसी से आज तक आपने सुना है? कल मैंने आपसे सवाल किया, आप हजरत आदम की औलाद है? सब हजरत आदम की औलाद है। हजरत आदम ने दुनिया से जाते हुए वसीयत की थी मेरी औलाद से मोहब्बत करना। आपके फायदे की बात कह रहा हूं फिर भी ना पूछो। हजरत आदम ने दुनिया से जाते हुए वसीयत मेरी औलाद से मोहब्बत करना। और किसी नबी ने? देखिए जब हम अंबिया कल हम अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं तो माजी का अंबिया भी ईमान रखते हैं। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हमारा सब ईमान, और उस ईमान की वजह से हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमें कोई हदीस नहीं मिलती, कोई हुक्म नहीं मिलता। अच्छा आज की बात रह गई अपने दौर में अपनी उम्मत को अपनी औलाद के किसी नबी ने वसीयत की थी मोहब्बत करना? फितरी मोहब्बत पर गुफ्तगू नहीं कर रहा, फितरी मोहब्बत तो हर जगह रहती है। पूरी तारीख अंबिया में ये वाहिद मरहला है, आदम से लेकर हजरत ईसा तक किसी नबी की हयात में ऐसी कोई वसीयत नहीं मिलती कि मेरी औलाद से मोहब्बत करना। ये सिर्फ हमारे रसूल के लिए कि कहां भी अल्लाह ने आए मुअद्दत भी उतारी, सवाल मुअद्दत भी किया, और फिर हमारे रसूल ने कहानी लाना मौजूद नहीं है, इसी तफसील से इस पर बात नहीं करा। फिर भी जुमला कहते बैठो मोहब्बत की तरतीब भी मिलाई, मोहब्बत का हुक्म भी दिया, और फिर एक ऐसी हदीस इरशाद पर एक का मतलब एक नहीं होती कैटेगरी, यानी उस कैटेगरी में बहुत सी हदीस है उसी तब्दील किया गया। एक ऐसी कैटेगरी हदीस की है कि अजीब शान से बात की, बात ही नहीं की, ऊपर से नहीं कहा, कौम से नहीं कहा, लोगों से नहीं कहा, कयामत तक के कलमा पढ़ने वालों से नहीं कहा, लवाजे और बोल में लिए हुए हैं और बात कर रहे हैं अल्लाह से, परवरदिगार मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू इनसे मोहब्बत कर और इनसे मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत कर।